हेलो दोस्तों, कुछ लोग का डाउट रहता है कि कैट की मशीन चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, जेसीबी का और कैट की मशीन जो है वो सब समान है, लीवर है। जो ऐसे कैश की कंपनी की जो जेसीबी आती है उसका जो स्टेपलाइजर है उसका जैसे जैसे जेसीबी का है कि मतलब नीचे को दबाते तो पावा निकलता है ना, उसका ऊपर को दबाएंगे तो पावा निकलेगा, ऐसा सिस्टम है। जिधर हम लोग उठाते हैं स्टेपलाइजर जेसीबी में उधर उसका गिरता है नीचे, और जिधर उठाते हैं उधर नीचे गिरता है, वो ऐसे ही होता है। मान चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कैट की मशीन समान ही चलती है, बस इतना ही रहती है कि थोड़ा ये पीछे का जो साइज है स्टेपलाइजर का ये थोड़ा जेसीबी से बड़ा कर दिया है, बस और कुछ नहीं है। बाकेट भी थोड़ा लंबा है और फिर ज़्यादा थोड़ा वजन है, आगे के बैलेंस थोड़ा कम है। जहाँ कोई थोड़ा ऊंचाई भी चलाओगे तो वो क्या होता है कि उड़ जाता है। बाकी तो ठीक है, मशीन कोई दिक्कत नहीं है चलाने में। और फिर मशीन को नए हेल्पर कैसे सीखेंगे उसको मैं 5 मिनट में सिखा दूंगा, इतनी अच्छी तरह से समझाऊंगा कि वो मशीन सीख जाएगा। टाइम नहीं लगेगा उसको सीखने में, बस उसको समझने का फेर है और कुछ नहीं। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ बताने आप लोगों को कि जैसे भी कैसे चलती है और कैसे उसको सीख सकते हैं। आप सीखिए, देखिए मैं बता रहा हूँ। ये देखिए बूम का है, इधर आप लीवर करेंगे तो इसको बूम ऊपर उठेगा, इधर आप डाउन करेंगे तो ये नीचे जाएगा, इधर आप करेंगे तो लेफ्ट साइड में ये स्विंग होगा, इधर राइट में होगा स्विंग। ये हो गया चार, एक फंक्शन में मतलब एक लीवर में चार फंक्शन हैं। और दूसरा ये लीवर हुआ डीपर का, तो ये हुआ देखिए डीप, ये बकेट खुलेगा, इधर आप करेंगे बकेट खुलेगा, इधर आप करेंगे बॉकेट को बंद हो जाएगा, इधर क्या करेंगे डीपर इधर खेंगे भी डीपर जाएगा मतलब लंबा हो जाएगा, इधर डीपर छोड़ जाएगा, जिसे बोलते हैं उसको खुदाई करना। धीरे धीरे जैसे आप इधर करेंगे धीरे धीरे बकेट मतलब डीपर अंदर आएगा, हल्का हल्का बकेट को उसे ऐसे करिए धीरे धीरे, तो बकेट भी बंद होगा डीपर भी बंद होगा। इससे क्या होगा, और हल्का हल्का इसको भी दबाइए ना, इसको नहीं दबाएंगे तो उसी दर पर ही खोदने लगेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो यही नए हेल्परों के लिए सीख है कि अच्छी तरह से मैं बताऊं और अच्छी तरह से वो सीखें, ठीक है। तो आप इसको क्या करिए, ऐसे धीरे इसको भी हल्का हल्का ऐसे दबाइए और इसको भी हल्का हल्का दबाइए, ऐसे करके ऐसे करिए धीरे धीरे, और बकेट अंदर आता रहेगा। फिर धीरे धीरे करके बकेट बंद कर लीजिए, उठाइए, उठाने के बाद फिर सीधा हल्का डीपर लंबा करो, लंबा करने के बाद फिर सीधा स्विंग करो, ट्रॉली के अंदर जाएगा सीधा हल्के से धीरे। जैसे नया हेल्पर है तो धीरे धीरे स्विंग करेगा, एक बैग जीधर ज़्यादा दबा देगा तो ज़्यादा फास्ट काम करेगा तो इधर उधर ट्रॉली में लड़ जाएगा या और कहीं भी लड़ जाएगा। तो इसलिए आराम से लीवर को दबाए, 2-3 दिन समझेगा तो उसको आ जाएगा। बस अब बचा क्या है, और इसका फीचर से बात क्या करें, और ये देख लीजिए एक चीज़ तो भूल ही गया बताने के लिए, ये स्टेपलाइजर है। इधर आप दबाएंगे तो स्टेपलाइजर बाहर आएगा, इधर दबाएंगे अंदर जाएगा। देखिए दबाया तो नीचे चला गया, बस इतना था। और देखिए इसका कैट की मशीन का फीचर देखिए, ये तो मेरे को पसंद नहीं आ रहा है। कोई कमेंट करिएगा आप लोग को ये लीवर कैट की मशीन का लीवर पसंद है या नहीं है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और ये देखिए इसका फीचर देखिए, 2017 मॉडल मशीन है, ठीक है। ये आगे का देखिए कैसे बनाया है, जेसीबी का जैसा नहीं बनाया है लेकिन फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ, ये देखिए गियर है, इधर से आप फॉरवर्ड रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से लगाने के बाद यहाँ से 1, 2, 3, 4 गियर लगाएंगे, उसके बाद फिर आप गाड़ी को आगे कर पाएंगे, यहाँ से फॉरवर्ड रिवर्स करेंगे, ठीक है। ये हुआ देखिए डीपर हुआ, आगे पीछे करेंगे इधर डीपर हो जाएगा, ठीक। ये और इसको देखिए हाई 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 लो का ये जो लाइट है इसे यहाँ से डीपर देते हैं, जो सामने कोई पास मांगता है तो उसको पास लेने के लिए यहाँ से ऐसे करेगा तो पास लगेगा, ठीक है। ये लोडर है, आप इधर आगे की तरफ खींचेंगे तो लोडर उठेगा, इधर करेंगे तो नीचे जाएगा, इधर करेंगे तो बकेट खुलेगा, इधर करेंगे तो अंदर बंद होगा। आप उतनी आसानी से बकेट रखिए, देखिए वो बकेट में रखा हूँ लोडर का, उतना ही बराबर रखेंगे तो बराबर लोडर लोडर बराबर लगेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, आप उसी तरह बकेट लोडर रखेंगे तो एकदम मट्टी एकदम बराबर बराबर करते हुए जाएगा। ज़्यादा खोल बंद नहीं करना चाहिए, बस बारीकी देखिए लीवर में ला रहा हूँ, देखिए हल्का से ऐसे हल्का हल्का ऐसे ऐसे करेंगे और हल्का बाहर अंदर बाहर करेंगे ऐसे ऐसे, तब जाके मट्टी से हल्का हल्का जहाँ ऊंचा होगा वहाँ कट जाएगा, जहाँ नहीं होगा वहाँ बराबर ही जाएगा। तो इसमें समझने का फेर है, फिर दूसरा मैं वीडियो बना दूंगा लोडर कैसे मारते हैं,
आप उसमें देख लीजिएगा, बस इतना ही है। और जितना मैं बताऊँ इतना कोई ऑपरेटर बताएगा नहीं जिस तरह से बताया हूँ। अगर और तरह से सीखना होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं और अच्छे तरह से आपको समझाऊँगा। बस वीडियो में इतना ही, तब तक लिए बाय बाय।